गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आपका वेलकम है आपके ट्रिपल ओम अकेडमी की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अपने चैनल पे जीके के क्वेश्चनों की सीरीज़ चला रखी है, तो वो सीरीज़ हम आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि पता होगा हमने 100 तक क्वेश्चन आपको करा दिए थे, उससे नेक्स्ट आपको कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है, क्योंकि ये पिछले जो पेपर हैं हमारे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें पूछे गए ये क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आर्मी एग्ज़ाम के लिए तो यूज़फुल हैं, साथ में कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पर जीके पूछी जाती है, ये वहाँ पर सभी के लिए यूज़फुल हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, देखो ये हमारा 100 तक हमने आपको करा दिए थे, अब 100 से नेक्स्ट स्टार्ट कराएंगे। देखो 101 क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, कितना वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल, 44,212। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा 102, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन से, पंडित भगवत दयाल शर्मा, कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो 103 क्वेश्चन क्या दे रखा, किस देश की स्थल सीमा सार्वधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की जो सीमा है वो सार्वधिक देशों के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा 104 क्वेश्चन क्या दे रखा है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। अगर हमारा बैरोमीटर का पठन है जो, उसमें अगर तेजी से गिरावट आती है तो वो हमें संकेत देता है कि तूफान आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 105 क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा 106 क्वेश्चन, काचीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, वो है आसाम में। ठीक है, 107 क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ठीक है, 108 क्वेश्चन क्या दे रखा है, उज्जैन किस नदी के किनारे है, वो है सिप्रा। ठीक है, 109 क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अच्छी सुचालक है बिजली की, तो वो है हमारी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, 111 क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था ये, लोकमान्य तिलक ने कहा था, किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था। अब चलते हैं अपने 112वें क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आपको वो स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये रहा हमारा 112वां क्वेश्चन। देखो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, वो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 113वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रहा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, सबको पता होगा देवनागरी है। ठीक है, 114वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला बोल दो या मिल्की वे बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, हमारा वो था हमारा उदंत मातंड। ठीक है, ये हमारा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 116वां क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, अवधि बोली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 117वां, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, हरियाणा के राज्य कवि कौन है, उदय भानु हंस। ठीक है, 118वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, कहाँ से हुई थी, हमारी यूनान से, एथेंस से हुई थी, और कब से हुई थी, 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 119वां क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, भारत में किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 120वां क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, 1980 में मास्को में जीता था। ठीक है, 121वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, 4 वर्षों के बाद। 122वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हमारा लुसियान या स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। ठीक है, 124वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, 5 गोले होते हैं। ठीक है, 5 गोले होते हैं। ठीक है, 125वां क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, ये हमारा माइकल फेप्लप्स, और इसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं 126 क्वेश्चनों की तरफ, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। ठीक है, अभी हुए हैं जो, हाँ 2021 में हुए हैं वो। ठीक है, हमारा हाँ क्वेश्चन नंबर 127वां, सन
2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से? हमारा बैडमिंटन से। ठीक है, 128वां क्वेश्चन क्या दे रखा? भारत ने ओलंपिक खेलों की में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? सन 1900 में। ठीक है, 129वां क्वेश्चन क्या दे रखा? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, अब 130वां क्वेश्चन क्या दे रखा? बैक टू द वेदोस, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट है, ये आपके हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजफुल है जहाँ आपकी जीके पूछी जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।